आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। पुंछ में वायुसेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकी हमले में कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में वायुसेना के जवानों पर आतंकी हमला हुआ है और आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है और इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में वायुसेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। इस खबर पर हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या मामला है, पूरा क्या खबर है? जम्मू कश्मीर पे सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। देखिए शुभम, आपको बता दें कि ये इस वक्त की जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि आतंकी हमला हुआ है। बार बार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं, लगातार होते रहते हैं। इस बार फिर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिलों पर जो है आतंकियों का हमला हुआ और इसमें जो है कई जवानों के घायल होने की भी सूचना आ रही है निकलकर। आपको बता दें कि पुंछ के एयरफोर्स में जो आतंकी हमला हुआ है इसमें कई जवान घायल हुए हैं। साथ ही जो वाहनों पर हमला हुआ है वो जो वाहनों को जो है स्थानीय जो है राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में जो है घेराबंदी कर जो है गाड़ियों को सुरक्षित किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट जो जम्मू कश्मीर में है उसकी स्थानीय इकाई ने जो है इलाके में घेराबंदी कर दी है और तमाम आतंकियों का जो सर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। साथ ही जो है आपको बता दें कि पुंछ में ही शाह सितार के पास एयरबेस जो मौजूद है वहां पर जो है बाकी वाहनों को सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया गया है और जो भी सैनिक घायल हुए हैं उनकी खबर आ रही है। अभी तक कितने सैनिक घायल हैं इस मामले में अभी ताजा जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिवम की जम्मू कश्मीर जो है काफी सेंसिटिव क्षेत्र रहा है और पुंछ की बात करें जम्मू कश्मीर में तो वो भी काफी सेंसिटिव रहा है। बात करें दिसंबर की जनवरी में तो लगातार आतंकी हमले होते रहते हैं, आतंकी घटनाओं की सूचना आते रहती है और उस पर जो है इधर हमारी तरफ से भी जो है कार्रवाई जो है की जाती रहती है स्थानीय प्रशासन के द्वारा और साथ ही जो है आर्मी के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि पुंछ जिले में ये भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिलों पर जो है ये हमला हुआ था और फिलहाल इसमें राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट जो है घेराबंदी कर रही है पूरे पुंछ एरिया में। चारों बगल जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है कौन आतंकी थे। अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन लगातार जो है टीमें सर्च अभियान चलाकर चारों बगल से मुस्तैदी से तैनात है और शाह सितार के पास आपको बता दें कि एयरबेस के अंदर सभी वाहनों को और बाकी लोगों को सुरक्षित किया गया है और कुछ सैन्य कर्मियों को चोटें आई हैं, कुछ घायल हुए हैं। अभी कैजुअल्टीज कितनी है इस बात की जानकारी अभी निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को ये दहला देने वाली खबर है और ये पहला मसला नहीं है। पहले भी लगातार ऐसे आतंकी हमले होते रहते हैं लेकिन जवाबी कार्रवाई भी की जाती है और इस वक्त जवाबी कार्रवाई के रूप में जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है तमाम जो है टीमें लगी हुई हैं। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल यूनिट की जो स्थानीय टीम है वहां पर घेराबंदी करके सर्च अभियान चला रही है कि कहीं कोई आतंकवादी पकड़ में आ जाए जिन्होंने हमला किया है। तो लगातार सारी टीमें लगी हुई हैं इस वक्त आतंकियों के पीछे, क्योंकि अचानक से ये हमला होना ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक बन जाता है। लगातार ऐसे जब हमले होते रहते हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। हम आपको बता दें कि लगातार इस तरह के हमले होने ये आम बात नहीं है और जहां तक जम्मू कश्मीर तो सेंसिटिव है ही, लेकिन बात करें अगर पुंछ की तो पुंछ इलाके में आपको बताएं कि दिसंबर में भी हमला हुआ था, जनवरी में भी हमला हुआ था। राजौरी और पुंछ जो है जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया में आते हैं जहां पर आतंकी जो है घात लगाए बैठे रहते हैं और लगातार जो है तमाम आतंकी हमले यहां होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये हमला जो है काफी ज्यादा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के मतदान चल रहे हैं, दो चरण हो गए हैं और फिर भी जो है हर जगह मतदान होना, उस बीच भी आतंकी जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं हमले करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर में इस वक्त तो फिर से हमला हो गया, तो काफी सेंसिटिव मैटर बनता चला जाता है। शिवम को बता दें कि यहां आदित्य आपका रुख करेंगे हमारे साथ, शुभम भवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से आतंकियों द्वारा जिस तरीके से सेना के जवानों पर हमला हुआ है, क्या खबर है आपके पास अभी तक, क्या घायलों जो घायल जवान है हमारे
उनको कहां रखा गया है, क्या क्या सूचना है आपके पास? शुभम जी बिल्कुल, आपको बताते चले तो पुंछ इलाके में जो है वो इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी पर जो है वो ताबड़तोड़ आतंकवादियों के द्वारा वहां पर फायरिंग की गई है, और जिसके बाद जो अभी तक हमारे पास खबर पहुंच रही है, जो हमारे सूत्र वहां से बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त उसे पूरे एरिया को जो है वो घेर लिया गया है और लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा है। आपको बताए तो ये जो इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी जो है वो जा रही थी और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो आतंकवादियों ने वहां पर की है, और क्योंकि कुछ दिन पहले से ही लगातार जो है वो रुक रुक कर फायरिंग जो है वो वहां पे देखने को मिली थी। जी शुभम, जी शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।